अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज बना रहे हैं किचन में हम बोनलेस हांडी रेस्टोरेंट स्टाइल। उसके लिए मैंने चीज़ें ली हैं। ये है आधा किलो चिकन बोनलेस, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 कप दही, इसको अच्छी तरह फेंट लीजिएगा, अभी मैं फेंटूंगी, 4 टेबलस्पून प्यूरी है, टोमेटो प्यूरी, आधा कप फ्राइड अनियन है, 1 टेबलस्पून पपाया पेस्ट है, और इसके अंदर 2 ग्रीन चिलीज छोटी मैंने चॉप करके डाली हैं, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम जैसे आपको चाहिए। अब मसाले हैं इसमें, मसाले ये रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून ही फुल है जीरा पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट है, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर है, और 1/2 टीस्पून हल्दी है। इसके साथ ये है क्रीम हनीप की, कोई सी भी आप फ्रेश क्रीम ले सकते हैं, या आपने डब्बे की लेनी है, किसी भी डब्बे की क्रीम ले सकते हैं। ये हमें 1/2 पैकेट यूज़ करना है। और ऑयल आपको चाहिए होगा तकरीबन आधा कप, या उससे थोड़ा ऊपर लग सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। चिकन के अंदर हमने सारे मसाले डालने हैं, लेकिन उससे पहले हमें दही अच्छी तरीके से फेंटना है और वो चिकन में डालना है। बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। है ये रेस्टोरेंट वाली हांडी, लेकिन आपको ये बात पता ही होगी, जो लोग वहाँ जाके खाते हैं वो लोग हमेशा कढ़ाई में बनाते हैं और हांडी में सर्व करते हैं, और हम भी इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। अब इसमें जितने भी ये सारे मसाले हैं सिवाय हल्दी के, ये हल्दी देखिए मैंने अलग कर ली है, हल्दी बाद में डलेगी, सारे मसाले इसमें चले जाएंगे। साथ में ये पपाया पेस्ट और हरी मिर्च, छोटी हरी मिर्चें, ये भी इसमें चली जाएंगी। इसको मैरिनेट करके हम ओवरनाइट भी रख सकते हैं, हम आधा घंटा भी रख सकते हैं। अगर जैसे किसी के घर में दावत है तो हम ये एक दिन पहले मैरिनेट करके बना सकते हैं और रख सकते हैं मैरिनेट करके, तो ये बहुत इजी हो जाएगा, क्विकली बन जाएगी। तो अभी इसे मैरिनेट करके मैं तकरीबन आधे घंटे बाद इसको बनाना शुरू करूँगी, तो फिर मिलते हैं आपसे। अब मैंने पैन में तकरीबन 1/4 कप तेल ले लिया है, या हस्बे ज़रूर जैसे आपको लगे, अगर कि आप कम तेल डालना है तो डाल दीजिएगा। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे अच्छी तरह से भून लेना है। अब ये अच्छे से भून गई है, सौते हो गई है, तो इसके अंदर हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी, अब इसमें डालेंगे हल्दी, और ब्राउन प्याज, इसे अच्छी तरीके से भूनना है। इसे जब भून लेंगे तो फिर हम इसमें डालेंगे चिकन। भुनाई इसकी अच्छे से हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमारी मैरिनेटेड चिकन थी, ये डालने के बाद आप इसको थोड़ा सा भूनिएगा, ठीक है, और इसे ढक के पकने छोड़ दें जब तक कि गोश्त गल ना जाए। इसमें दही है तो दही के पानी में ये पकेगी जब आप इसे ढकेंगे, पहले से अच्छे से मिक्स कर लें।
अब मैं इसे ढक के रख देती हूँ तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। आइए देखते हैं, अगर आपको ज़रूरत लगे इसमें पानी डालने की तो आप इसमें डाल सकते हैं, तकरीबन 1/4 कप ऑफ वाटर डाल सकते हैं। इसका कलर देखें किस कदर खूबसूरत है, ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। और अभी इसमें हम डालेंगे मलाई। अब आपने इसमें 100 ml मलाई डालनी है। मलाई डालने के बाद आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाना है, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट पकाना है कि इसका तेल ऊपर आ जाए। और आपकी हांडी तैयार है बाज़ार जैसी, रेस्टोरेंट स्टाइल बोनलेस हांडी आपकी तैयार हो जाएगी। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, मुझे फीडबैक ज़रूर दें, बहुत अच्छा लगता है। और जो जो नए सब्सक्राइबर आते जा रहे हैं उनको वेलकम। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा हो। अब इसको मैं 3 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। ज़बरदस्त सी हांडी तैयार है। और अभी आपको आइडिया नहीं है कि मेरे किचन में कितनी ज़बरदस्त सी खुशबू फैली हुई है। आप लोग ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इसको अब छोटी हांडी में निकाल के जैसे वो लोग सर्व करते हैं वैसे करके दिखाती हूँ। आपकी रेस्टोरेंट स्टाइल हांडी तैयार है, चिकन बोनलेस हांडी। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।